हेलो दोस्तों, मैं हूँ रजिया। आप सभी का स्वागत है बेक विथ रजिया पर। आज हम सीखेंगे बिना माइक्रोवेन के डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को किस तरह से मेल्ट किया जाता है। अगर आपके पास माइक्रोवेन नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, उसके बगैर भी आप चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट कर सकते हो। आप चाहो तो चॉकलेट सॉस बना सकते हो या फिर अपने पसंद के कस्टमाइज चॉकलेट भी बना के सेल कर सकते हो। तो बिना माइक्रोवेन के भी आप चॉकलेट को बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट कर सकते हो। तो कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान देना है, उन टिप्स का अगर आप फॉलो करोगे आपके चॉकलेट कभी भी नहीं जलेंगे, कभी भी चॉकलेट और फैट दोनों कभी भी सेपरेट नहीं होगा। तो उन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान दें। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए दोस्तों इस तरह के कंपाउंड चॉकलेट आते हैं। कंपाउंड चॉकलेट क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बता चुकी हूँ, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। हम जब भी केक या सॉस बनाते हैं इस तरह का हम कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से पैकेट में आते हैं और इसमें से मैंने क्या किया है, एक स्लैब इस तरह का लिया है और इसे एकदम बारीक इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। जब भी दोस्तों आप डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रहे हो तो चॉकलेट को आप इस तरह से बारीक चॉप करके लोगे। अगर आप माइक्रोवेव में यूज़ कर रहे हो तो वो अलग मसला है कि आप उसे पूरा का पूरा डाल दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डबल बॉयलर यूज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान ये देना है कि चॉकलेट को एकदम बारीक आपको चॉप करके लेना है, जितना आप इसे बारीक चॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंपाउंड चॉकलेट को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। अब दूसरे साइड हमने यहाँ पे एक पतीले में एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर यानी कि एकदम खौलता हुआ गर्म पानी लिया हुआ है। तो अब हम इस चॉप किए हुए चॉकलेट को इस गर्म पानी के ऊपर रख देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, आप ऐसा पतीला लो जो ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा क्लोज हो, साइड से बिल्कुल भी इसकी जो स्टीम यानी कि इसका जो भाप है वो निकलना नहीं चाहिए। और इस तरह से आप रखोगे और एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, इसका जो तली है वो नीचे पानी में टच नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 इंच का गैप हो ताकि उसकी जो स्टीम है उसकी जो भाप है उससे वो मेल्ट हो। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी हम यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करने के लिए जब डबल बॉयलर मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, चॉकलेट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लेनी है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक स्लैब यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक साथ में आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, अगर आप प्रैक्टिस कर करके थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गए हैं तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा क्वांटिटी बेशक ज़्यादा ले सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप शुरुआती टाइम पे अगर आप डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा चॉकलेट लेके आप पहले मेल्ट करके अपना हाथ बिठाओ, उसके बाद आप फिर ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट लेना। तो ये इस तरह से हमने गर्म पानी के ऊपर इसे हमने रख दिया है और इसे बीच बीच में 1 से 1.5 मिनट में हम इसे चलाते रहेंगे। इसे डायरेक्टली ऐसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बीच बीच में आप इसे पलटते रहिएगा ताकि नीचे का जो मेल्टेड चॉकलेट है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाला जो चॉकलेट है वो नीचे आ जाए। तो इसे बीच बीच में चलाना दोस्तों एकदम ज़रूरी है। आप इसे एकदम ऐसे बिल्कुल छोड़ मत दीजिएगा, उससे क्या होगा नीचे वाला जो है वो ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा, उसका फैट अलग हो जाएगा और ऊपर वाला जो चॉकलेट है वो आपका मेल्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसे 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही आपको छोड़ना है। अब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद ये आप देखिए नीचे वाला जो चॉकलेट है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। तब हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ेंगे ताकि ये और थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अच्छा, और एक चीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पे चॉकलेट थोड़ा सा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे दोस्तों इसे गैस के बाहर ही रख के मैं कर रही हूँ। अगर आपका पानी ठंडा हो जाए और चॉकलेट अगर आपका सही तरीके से मेल्ट ना हुआ हो तो आप इस पूरे बर्तन को गैस के ऊपर भी रख सकते हो। तो जैसे ही पानी गर्म हो वैसे ही आप बाहर निकाल के फिर से आप दोस्तों कांच का गमला रख सकते हो या फिर आप इसे स्टील या एल्युमिनियम किसी भी बर्तन पर दोस्तों आप बना सकते हो। तो एक चीज़ का दोस्तों ध्यान देना है कि आपको इस तरह से ये कांच के गमला और ये जो पानी का पतीला है इसको एक साथ में गैस में रख के एकदम तेज़ आंच पे आपको बॉईल नहीं करना है। उससे एक तो चॉकलेट आपका मेल्ट नहीं होगा, इवन चॉकलेट जो है वो आपका जल जाएगा और दूसरा क्या होगा, अगर आप कांच का गमला इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ में ये एक्सीडेंट हो चुका है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कांच के गमले के साथ में आप कभी भी माइक्रोवेव के ऊपर कभी भी आप गैस के ऊपर ना रखें, ठीक है। तब हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देखिए चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। अब थोड़े बहुत इसमें इस तरह से लम्स नज़र आ रहे हैं, तो इसे कंटिन्यू इस तरह से आप चलाते रहिएगा तो चॉकलेट आपके मेल्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए, अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह से मिक्स करते हुआ
आपको इसे कंटिन्यू चलाना है जब तक कि इसका पूरी तरह से लम्स ख़त्म ना हो जाए और चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। तो ये आप देखिए, अब ये सभी के सभी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। तो आज हमने सीखा कि डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को किस तरह से मेल्ट किया जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम हो बेकिंग के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे से कौन सी रेसिपी एक्सपेक्ट करते हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज रहेंगे उसे मैं पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करूँगी। और बहुत जल्द माइक्रोवेव में किस तरह से चॉकलेट मेल्ट किया जाता है इसका भी वीडियो आने वाला है। तो आप इसी तरह से मेरे साथ में बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।